बहुत बार बहुत सारे इंजीनियर्स ने मेरे से ये एक क्वेश्चन पूछा है ज़रूर। सभी को नॉमिनल मिक्स और मिक्स डिज़ाइन के बारे में तो पता ही है, M5 से लेके M25 तक के रेशियोज़ हमारे पास पता ही हैं। जस्ट एक एग्जांपल लूँ कि M25 का रेशियो होता है 1:1:2, बट जैसे ही इंजीनियर साइट में जाते हैं, देखते हैं साइट में कि जो कॉन्क्रीटिंग हो रहा है उसके लिए जो मटेरियल्स डाल रहे हैं, वहां पे जाते ही रेशियोस चेंज हो जाते हैं। तो ये रेशियोस कैसे चेंज होते हैं ये देखेंगे हम लोग आज तगाड़ी के कैलकुलेशन में। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी में, द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही यूजफुल वीडियो, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स के डाउट क्लियर होने वाले हैं कि एक्चुअली में साइट में कॉन्क्रीटिंग करवाते वक्त हमको जो तगाड़ी हम यूज करते हैं उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कॉन्क्रीटिंग वर्क को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों के साइट में तसला, तगाड़ी, टीना, जो भी आप लोग बोलते होंगे, सपोज तगाड़ी, तो आप लोगों को करना ये है कि वहाँ पे एक सीमेंट की बोरी रखी होगी, सीमेंट की बोरी को ओपन करना है और जो भी साइट पे आप तगाड़ी को यूज़ कर रहे हो या तसला को यूज़ कर रहे हो, उन तसला को वहाँ पे रख दो और जैसे ही आप वो सीमेंट बोरी को फाड़ के उन तगाड़ी में डालना शुरू करते हो, तो आपको ये देखना है कि वो एक बोरी सीमेंट कितने तगाड़ी में कवर हो पा रहा है। जैसे आप लोगों को पता है कि सीमेंट का जो वेट होता है बैग का, वो होता है 50 किलो, तो सबसे पहले मेरे को यही चेक करना है कि एक सीमेंट बोरी में कितना तगाड़ी भर जाएगा हमारा। इसी से ही हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि उसी हिसाब से कि सैंड और एग्रीगेट हमारे कितने लगने वाले। तो सबसे पहला प्रोसीजर यही करना है कि सीमेंट बोरी को फाड़ना है साइट में से और फिर उसमें जो तगाड़ी रखी रहेगी आपके साइट में उसमें उसको फिल करना और देखना है कि एक सीमेंट की बोरी में कितने तगाड़ी फिल होते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप साइट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग इंजीनियर, प्लानिंग एंड डिजाइन, किसी भी वर्क में कंपनी डिमांडेड स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो अपने लाइफ के सिर्फ 10 मिनट दीजिए और 9111001234 नंबर पर कॉल करिए, अपने करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स शेयर करिए और पूछिए कि कैसे कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस आपको आपके करियर की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिसके आप रियल में हकदार हो। तो सपोज अगर इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि आपने एक बोरी सीमेंट निकाला, उसमें आपकी 3 तगाड़ी फिल हो गई, मतलब कि 50 किलो की कैपेसिटी का आपका सीमेंट बैग था, उसको जब आपने तगाड़ी में फिल किया तो 3 तगाड़ी में फिल हुआ हो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 तगाड़ी का वेट कितना होना चाहिए, तो उसी के लिए कैलकुलेशन में क्या करेंगे अपन कि एक बैग में आपका 50 किलो होता है और 1 तगाड़ी में आपके लगभग 17 किलो आपका सीमेंट आया है, क्योंकि जब मैंने सीमेंट बोरी फाड़ा और उसको तगाड़ी में डाला तो मेरी 3 तगाड़ी फिल हुई और मेरे एक बैग का सीमेंट 50 किलो है, मतलब 1 तगाड़ी में कितना किलो सीमेंट आया होगा, 17, दूसरे तगाड़ी में भी 17, तीसरे तगाड़ी में भी 17, लगभग 51 किलो, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहा हूँ 50 किलो, तो हमारे पास 1 तगाड़ी में आ गया 17 किलो। अगर मेरे पास रेशियो है 1:1:2 का, जो कि M25 का रेशियो होता है, उस हिसाब से अगर मैं वेट पे कैलकुलेट करूँ तो मेरे को सीमेंट 50 किलो डालना है, सैंड भी 50 किलो डालना है और एग्रीगेट 100 किलो। कैसे? 1:1:2, यहाँ पे ये एक पार्ट सीमेंट का है, एक पार्ट सैंड का है और 2 पार्ट आपके एग्रीगेट का है, तो ये अगर 50 किलो होगा तो ये भी सैंड भी 50 किलो होगा और एग्रीगेट कितना होगा, 100 किलो। तो सपोज अगर मेरे को एक बोरी का माल बनाना है, कॉन्क्रीटिंग करवानी है एक बोरी की, तो एक बोरी की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 50 किलो की, तो मेरे को 50 किलो सीमेंट डालना है। अब सीमेंट तो मैं तगाड़ी से नहीं डालूंगा, मैं डायरेक्टली बैग को फाड़ता हूं और मिक्सर मशीन में डाल देता हूं। सिमिलरली सैंड की अगर बात करें तो सैंड भी 50 किलो डालना है, तो ये जो कैपेसिटी है, ये जो एक तगाड़ी की 17 किलो, वो इस केस में भी लागू होगी कि जब सैंड मेरे को 50 किलो डालना है तो उस हिसाब से मैं कितनी तगाड़ी डलवाऊंगा सैंड को, तो 50/17 कर दूंगा। सिमिलरली एग्रीगेट भी 17 किलो ही उसमें आ पाएंगे, तो उसके लिए मेरे को 100 किलो डलवाना है, तो 100/17 = 6 तगाड़ी।
अब यहां बोलेंगे लोग कि सर सीमेंट का वेट, सैंड की डेंसिटी, एग्रीगेट की डेंसिटी, ये सब तो डिफरेंट होते हैं, तो सभी को ही 17 किलो में क्यों ले रहे हो? तो इसके लिए मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछ के छोड़ दूंगा कि अगर एक तरफ एक किलो रुई रखा हुआ है और एक तरफ एक किलो लोहा रखा हुआ है तो भारी कौन सा होगा? तो यहां मैं बात कर रहा हूं कैपेसिटी की कि एक तगाड़ी में 17 किलो की ही कैपेसिटी आती है, इसलिए मैं सबके लिए एक रेफरेंस लूंगा 17 किलो का ही। तो उस हिसाब से अगर मेरे को साइट पे काम करवाना होगा तो मेरे को बस यही बोलना है कि एक बोरी का माल बनाओ जिसमें 3 तगाड़ी आप रेती डाल दो और 6 तगाड़ी आप गिट्टी डाल दो। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं साइट पे भी तगाड़ी का कैलकुलेशन। अब आपको नॉर्मली बताऊं तो कॉन्क्रीटिंग वर्क के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, हम लोग मिक्सर मशीन यूज करते हैं, उसके साथ हम लोग फ्योरी यूज करते हैं, और कई कई जगहों में जहां पे मास कॉन्क्रीटिंग की जरूरत होती है हम यूज करते हैं RMC। तो मैं बात करूं मिक्सर मशीन की, तो मिक्सर मशीन की कैपेसिटी जनरली 0.2 से लेके 0.4 क्यूबिक मीटर तक की होती है। मतलब एक बार में जो मिक्सर मशीन है वो 0.2 से लेके 0.4 क्यूबिक मीटर तक का माल बना सकता है, विच इज इक्वल्स टू 2 से 3 बैग के बराबर का। बट तो भी हम पूरे 3 बैग का माल नहीं बनाते हैं एक बार में मिक्सर मशीन में, ज्यादा से ज्यादा 2 बोरी का माल बनाएंगे। तो 2 बोरी का अगर मेरे को माल बनाना हो, सपोज 2 बैग का, और वहां पे मेरी मिक्सर मशीन रखी हुई है, तो 2 बोरी का माल बनाने के लिए M25 के रेशियो से मेरे को क्या बोलना पड़ेगा लेबर को कि 2 बोरी का माल बना जिसमें आपके 6 तगाड़ी यहां पे सैंड जाएगा और 12 तगाड़ी आपका एग्रीगेट जाएगा। तो यहां पे मिक्सर मशीन जहां पे भी यूज कर रहे हो आप डायरेक्टली ये इस फॉर्मूला से यूज करके आप इस तरीके से वहां पे एग्जैक्टली जितना हमको क्वांटिटी डालना है लगभग हम लोग उतने क्वांटिटीज में डालेंगे, तो भी उसमें थोड़े बहुत मैनुअल एरर्स आते ही हैं। अगर फ्योरी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी लगभग 1 मीटर क्यूब से लेके 2 मीटर क्यूब तक की होती है, और RMC की लगभग हम बोलते हैं 5 मीटर क्यूब से लेके 8 मीटर क्यूब तक का, तो भी हम लोग 5-5 मीटर क्यूब तक में ही मंगवाते हैं RMC से भी, और डिपेंड करता है कि हमको किस तरह का कंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करवाना है। तो इंजीनियर्स ये सब बात हुई आपके तगाड़ी के कैलकुलेशन की, चाहे आप उसको तसला बोल दीजिए चाहे टीना। तो ऐसे ही हम साइट पे एग्जीक्यूशन करवाते वक्त कॉन्क्रीटिंग का वर्क करवाते हैं, और इसीलिए ही साइट में जाते ही हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी प्रोपोर्शंस गिवन है वो चेंज हो जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में और पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंजीनियर्स को शेयर करें और इस कन्फ्यूजन को दूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए और यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ।